हेलो फ्रेंड, फाइव फिंगर ब्लॉक में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप लोग सब लोग जानते ही होंगे कि आज शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा के दिन में खीर बनाया जाता है और खीर बना करके चांद में रखा जाता है। खुले स्थान पे, छत पे रखिए या बालकोनी में रखिए या आंगन जिसका है आंगन में भी रख सकता है, कहीं भी रखिए। उसको चलनी से ढक दीजिए कि मान्यता है, पहले का लोग पूर्वज लोग बोलते हैं कि आज के दिन अमृत बरसता है और आज ही के दिन जो चांद भगवान है वो ना पृथ्वी से बहुत पास रहते हैं, बहुत पास आ जाते हैं और अमृत बरसाते हैं। इसीलिए आज के दिन चांद को प्रणाम करना चाहिए और थोड़ा खुले स्थान में भी शाम रहना चाहिए कि चांद में से जो अमृत आकाश से बरसता हो, जो आकाश से धरती पे अमृत आएगा वो हम लोग के भी शरीर पर लगे और हम लोग भी स्वस्थ और अच्छे बने। और खीर का मान्यता है, हम लोग के दादा लोग, मम्मी लोग, नाना नानी लोग, दादी हैं, सब लोग जो हम लोग के पूर्वज हैं तब से चलते आ रहा है कि आज के दिन हम लोग खीर बना करके। पहले तो आंगन रहता था बहुत बड़ा बड़ा घर में और बहुत ज्वाइंट फैमिली रहता था, तो खीर बना करके अपना आंगन में रख दिया। उसके बाद 12 बजे उठा करके और फिर प्रसाद के रूप में सबको बांट दिया जाता था और सब प्रसाद के रूप में खाता था खीर को। और ये भी है, दादी लोग कहते थे कि या पंडित जी के मुँह से भी सुने हैं कि जिसका चंद्रमा कमजोर रहता है वो आज के दिन चांद को पूजा करने से और खीर जो रखा जाता है उसको खाने से वो सब भी अच्छा होता है और चंद्रमा जो कमजोर होता है वो मजबूत होगा और अच्छा होगा। वो चंद्रमा से आदमी उनका जब प्रभाव शरीर पर पड़ेगा तो स्वस्थ होगा और स्वस्थ होगा तो जाहिर सी भाई सुंदर तो बनेगा ही, स्वस्थ ही सुंदर है। और ये खीर को करता है आदमी कि जिसके पास चांदी का बर्तन है वो चांदी के बर्तन में रखे तो उसमें और क्या बोलेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट और अमृत अब तो मिलेगा नहीं, लेकिन इसको आज के दिन इस खीर को अमृत बोला जाता है। जो बोलते हैं जो आकाश से अमृत बरसता है वो खीर में पड़ेगा तो वो खाने से हम लोग अमृत ही खाएंगे, पिएंगे या जो भी खाएंगे, इसलिए खीर रखा। और चांदी के बर्तन में रखने से बहुत ही अच्छा होता है। और अगर बाई चांस चांदी का बर्तन नहीं है जिसके पास, वो ना मिट्टी का बर्तन में भी रख सकता है आकाश में, लेकिन ये चीज़ का ध्यान दे कि वो ढक के रखे कोई भी जाली कपड़े से या जाली से कि कीड़ा मकोड़ा ना आए, नहीं तो फिर कीड़ा मकोड़ा आएगा तो अमृत के जगह विष हो जाएगा वो खीर। इसलिए ये चीज़ को खास करके ध्यान रखा जाए कि चांद में जो हम लोग खुले आकाश के नीचे रखते हैं खीर, साफ सुथरा जगह रखें जो कीड़ा ना आए। और खीर में थोड़ा सा घी डाले हैं और ड्राई फ्रूट में सिर्फ काजू डाले हैं और केसर डाले हैं, दूध और चीनी है, चावल है बस। इसको जा करके हम छत पे अभी रख देंगे। हम तो खीर यहीं पे रखेंगे क्योंकि यहाँ पे तो पान का पत्ता भी है और तुलसी जी भी हैं और यहाँ एक दिया रख देंगे हम चांद भगवान जी को दिखा करके। मेरे पास तो चांदी का कटोरा नहीं है, छोटा सा लोटिया ही है, तो थोड़ा सा चांदी का जो लोटिया है उसी में हम खीर को डाल दे रहे हैं और बाकी खीर तो उसी बड़ा वाला भगोना में ही छोड़ देंगे, डेक्ची जो बोलते हैं उसी में, और बाकी थोड़ा सा खीर ये लोटिया जो है चांदी का उसमें डाल दे रहे हैं। और दिया तो जला दिए हैं तुलसी जी के पास। ये मेरा लोटिया फिर से भर चुका है। आप चांद भगवान माँ लक्ष्मी इसको ये खीर को और ये सबको अमृत बना देंगी तो हम लोग फिर इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। इसको हम ढक दे रहे हैं ये जाली से और
इसको भी हम यहाँ पर रख करके इससे ढक देंगे, एक पत्ता है उसी से ढक देंगे और दो तीन घंटा में इसको हम उठा लेंगे। और यहाँ ये लोटिया है चांदी का, इसी में हम थोड़ा सा खीर डाले हैं और ये मेरा पूरा वाला खीर है जो स्टील के बर्तन है उसमें हम रख दिए हैं। अब तीन चार घंटा इसको इसी तरह रहने देंगे, उसके बाद फिर उठा के प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे हम।